हाय फ्रेंड्स, हम अभी अब तक के फास्टेस्ट चेंजिंग, सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव और बहुत ज़्यादा ट्रिबुलेंट पीरियड में जी रहे। 20th सेंचुरी तक ये तो बहुत कॉमन था एक इंसान के लिए स्कूल से निकलना, कंपनी ज्वाइन करना, फिर काम करना और पूरी लाइफ वहीं पे रहना। लेकिन आज 40% ऑफ अडल्ट्स एक फ्रीलांसर्स बन के एक जॉब से दूसरी जॉब काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इज फास्टर एंड फास्टर। इन 1952 अल्बर्ट आइंस्टाइन जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम सेट करी। लेकिन जब उनकी टीचिंग असिस्टेंट ने उनसे पूछा, क्या ये वही क्वेश्चन है जो आपने इन्हीं स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर ही दिए थे, आइंस्टाइन रिप्लाइड, यस, इट्स द सेम क्वेश्चन। टीचिंग असिस्टेंट ने फिर से पूछा, आप उन्हीं स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चंस लगातार 2 साल कैसे दे सकते हो, आइंस्टाइन रिप्लाइड, बिकॉज द आंसर्स हैव चेंज्ड। इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स हर दिन नए थियोरीज, नए कॉन्सेप्ट्स और नए डिस्कवरीज बनते। एक आंसर अगर इस साल सही है तो अगले ही साल कुछ नए थियरीज और आइडियाज की वजह से वो रिप्लेस हो जाए। फ्रेंड्स, आवर सिचुएशन इज द सेम। हमारे आंसर्स बदल गए। हमारे 2 साल पहले, 1 साल पहले और इवन 1 महीने पहले के चेरिस आइडियाज अभी के मार्केट में न तो वैलिड है और न ही रेलेवेंट। इन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर लॉन्च हुआ होता है तो वो मार्केट वाले दुकान के शेल्फ में आने तक एक तो उसी कंपनी से नया वर्जन लॉन्च हो रहा होता है या किसी और कंपनी द्वारा उससे बेहतर डिवाइस लॉन्च किया होता है। सो यू कैन सी द शेल्फ लाइफ टेक्नोलॉजी इज शॉर्टर एंड शॉर्टर। और ये आज के इन्फॉर्मेशन और कंपटीशन के ज़माने में और भी ज़्यादा स्पीड से बदल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाइएस्ट पेड पीपल इन एवरी फील्ड, जो कि ब्रायन ट्रेसी के बुक गेट स्मार्ट से ली गई है। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक तेज ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और ऐसे ही काम की कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए जो आपको कल से बेहतर बनाएगी। नाउ लेट्स बिगिन। इन 1995 मिनिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क ने एक स्टडी कंडक्ट करी ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी क्वालिटी या क्वालिटीज है जो हमारे बिजनेस सक्सेस के लिए जरूरी है इस 21st सेंचुरी में। इट फाइनली कंक्लूडेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। यस, फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो निर्भर करती है कि आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि आपके आंसर्स बदल गए हैं। ये क्वालिटी आपको उन लोगों से या कंपनी से अलग बनाती है जो अभी भी सोचते हैं कि आंसर्स वही है। जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च करा तो ब्लैकबेरी के सर्विस एग्जीक्यूटिव ने उसको एक टॉय कह के ये बताया कि ये तो सिर्फ एक खिलौना है जिसपे यंग जनरेशन सिर्फ बात कर सकेगी। विद इन अ 5 ईयर्स ब्लैकबेरी मार्केट शेयर्स अमंग बिजनेस ओनर्स ऑफ सेलफोन ड्रॉप फ्रॉम 49% टू 0.4%। और आज हमें पता ही नहीं है कि वो कंपनी है कहाँ। एक और चेंज एप्पल ने एक्सेप्ट करा वो था उनका आईपैड, जिसने ई बुक की दुनिया हमारे सामने पेश की और आज ई बुक हैज द मोर टर्न ओवर दैन द लार्जेस्ट बुक रिटेलर्स इन द वर्ल्ड। नाउ लेट सी 80-20 पैटर्न एंड इनकम। गैरी ब्रेकर द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट ने एक रिसर्च की और पता लगाया कि बॉटम 80% लोगों की एवरेज इनकम हर साल 3% से बढ़ रही है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से थोड़ी ही ज़्यादा थी, जबकि टॉप 20% लोगों की इनकम हर साल 11% से बढ़ रही है, जो कि हर 6 सालों में उनकी इनकम डबल कर देती है। तो वो क्या डिफरेंस था टॉप 20% और बॉटम 80% लोगों में? और वो था उनका कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स। टॉप 20% लोग कई किताबें खरीदते, कई नए कोर्सेज ज्वाइन करते, कई ऑडियो प्रोग्राम सुनते और कई तरीके निकाल लेते जो उनका काम आसान और तेज़ बनाता। जो बाकी 80% लोगों में एकदम ऑपोजिट था, वो हार्डली कोई बुक रीड करते, नए कोर्स ज्वाइन करते, वो अपना ज़्यादातर समय टीवी देखने में बिताते जो उनके हिसाब से उनका टेंशन रिलीव करता है। बहुत लोगों को आज ये भी पता नहीं है कि अपग्रेडिंग द स्किल्स इज प्रेसिंग नीड टुडे। पैट रिले बास्केटबॉल कोच कहते हैं, If you're not getting better, you're getting worse. Friends, अभी मैं आपको 3 एनिमेस के बारे में बताऊंगा जो आपको आगे जाने से रोकती है। The first and worst is the comfort zone. लोग जो भी काम स्टार्ट करते हैं या जिसमें काम कर रहे होते हैं वो जल्दी उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। Then they resist any change. वो कोई भी नया चेंज हुआ तो मना कर देते हैं, चाहे वो चेंज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वॉरेन बेनीज ने उनकी बुक लीडर्स में एक स्टडी डिस्क्राइब की कि जितने भी टॉप सक्सेसफुल लोग हैं वो तब तक अपने कंफर्ट जोन को बिगर एंड बिगर गोल सेट करके बड़ा नहीं बनाते जब तक वो कोई मेजर चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट अचीव नहीं करते। द सेकेंड मेजर ऑब्स्टेकल टू फ्लेक्सिबिलिटी इज फियर ऑफ फेलियर, हार का डर। क्या पता अगर हम कुछ नई आइडिया ट्राई करें और वो काम नहीं करी। द थर्ड रीजन दैट द पीपल फियर एंड रेजिस्ट द चेंज इज लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब वो लोग
जो हमेशा बोलते रहते हैं आई कांट और वी कांट, हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं लाइक टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है। बट विंस्टन चर्चिल सेड, इफ यू डोंट फाइट व्हेन यू हैव अ चांस ऑफ विक्ट्री, यू विल हैव टू फाइट व्हेन यू हैव नो चांस एट ऑल। अगर आप लड़ोगे नहीं जब आपके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्द आपको लड़ना पड़ेगा जब आपकी जीतने की संभावना नहीं रहे। आपको ब्लॉकबस्टर मूवी कंपनी के बारे में बताता हूँ, जो एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी। और जब नेटफ्लिक्स की एंट्री हुई, तो ब्लॉकबस्टर्स के लोगों ने नेटफ्लिक्स को एक स्मॉल कंपनी कह के सोचा, ये हम जैसे मार्केट लीडर को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकती। कुछ सालों के अंदर ही नेटफ्लिक्स एक बिगेस्ट प्लेयर बन गई मूवीज डिलीवर करने में, बाय मेल और बाय ऑनलाइन, और ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ब्रायन ट्रेसी ने अपने बुक में इस बात पर ट्रिक बताई है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपने थिंकिंग को बढ़ा पाएंगे चेंज एक्सेप्ट करने के लिए, कैसे आप इस कंपेटिटिव पीरियड में खुद को एक कदम आगे ला सकते हो जीरो बेस्ट थिंकिंग अप्लाई करके। सो व्हाट इज जीरो बेस्ट थिंकिंग? हम अक्सर कहते हैं, अगर मुझे ये पहले पता होता, मतलब आपके पास आज जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर पहले होती जब डिसीजन लिए जा रहे थे, तो वो गलत नहीं होते। और फिर से मुझे वो डिसीजन लेना होता है, तो मैं अब की बार मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके सारे सही डिसीजन ले सकता हूँ। यही है जीरो बेस्ड थिंकिंग। नाउ फर्स्ट इज एडमिट दैट यू आर नॉट परफेक्ट। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आपको कमज़ोर दिखाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक्सेट्रा। लेकिन हकीकत में उसका उल्टा है। अगर आप आपकी गलती एक्सेप्ट करने की हिम्मत करते हो, तो लोग आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप गलत हो और आपकी गलती आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको और ज़्यादा कमज़ोर और बेवकूफ़ दिखाएगी। नाउ सेकेंड इज़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ गॉन फॉर एवर। टाइम, मनी एंड इमोशन के साथ हम जीरो बेस्ड थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी टाइम, मनी एंड इमोशन में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और फिर भी रिकवर नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि जल्द से जल्द उस संकोष्ट या डूबती नाव को जाने दे और कहीं और इन्वेस्ट करे। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। दुख की बात यह है कि आज भी कई लोग और कंपनीज इस संकोष्ट को नहीं पहचानते और इन्वेस्ट करते ही जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आपके पास जीरो बेस्ड थिंकिंग अपनाने का साहस है, तो आप एक फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करेंगे और साथ ही गहरी सांस लेंगे, जो आपको इस फास्टेस्ट चेंजिंग वर्ल्ड में स्मार्ट बनाएगी। तो ये थी कुछ बातें गेट स्मार्ट बुक से, जो ब्रायन ट्रेसी ने हमें एक स्टेप आगे रहने के लिए बताई है। फ्रेंड्स, कमेंट करें अगर ये बातें आपको काम की लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी कई और ट्रिक जानने के लिए तेज ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।